ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। कमेंट रिप्लाई सीरीज का ये नौवा वीडियो है। ये दिलचस्प सीरीज मुस्लिमों, एक्स मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के लिए भी नॉलेजेबल है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए और हर वीडियो को पूरा देखिए। आई प्रॉमिस के बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा और एंटरटेनमेंट तो है ही। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मोहम्मद हसन रजा के दो कमेंट हैं। डफर टिक टिक, तू मेरा नंबर डिलीट करना बंद कर, कायर की हरकत बंद कर, ओके। अबे जफर डफर, तेरे को मुसलमान से बात करने से डर लगता है जो तू मेरा नंबर हर बार डिलीट करता है। मोहम्मद हसन रजा के इस किस्म के कई कमेंट हैं। हसन मियां मुझे डफर कह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यूट्यूब में कमेंट का मोबाइल नंबर लिखने से यूट्यूब उस कमेंट को खुद डिलीट कर देता है। ये बंदा कमेंट में अपना नंबर दे रहा था कि मैं इसे कॉल करूंगा। आप सोचिए कि डफर कौन है, मुझे कायर कह रहा है। भाई आप बहादुर हैं तो किसी एक्स मुस्लिम के चैनल पर डिबेट कर लें, हम सब भी आ जाएंगे तमाशा देखने। गिब्राइल जी सही कहते हैं, दीन ने मोमिनों को दीवाना बना रखा है, ईमान ने अकल से अनजाना बना रखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगली कमेंट देखते हैं। शार्प फैक्ट एंड टीवी का कहना है कि जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तब तुम्हें शैतान ने बहका दिया था, इसलिए तुम्हें इस्लाम रिलेटेड चीज़ों से नफरत है और खुदा ने तेरे दिल पे काला धब्बा लगा दिया है जिससे तुम्हें सही बात समझ नहीं आएगी। शार्प फैक्ट जी, मोमिन अपनी आईडी का कितना भी मॉडर्न या साइंटिफिक नाम रख लें, बातें जिन्न, शैतान, दज्जाल और जहन्नुम की ही करेंगे। अगर मुझे शैतान ने बहका दिया था तो अल्लाह को हिदायत देनी चाहिए थी, उसने उल्टा मेरे दिल पर काला धब्बा लगा दिया। बड़ा अजीब अल्लाह है। वैसे आपके अल्लाह को पता नहीं है कि इंसान दिमाग से सोचते हैं, वो यूं ही दिलों पे मोहरे और धब्बे लगाता रहता है। लो लिल का कमेंट, तेरी 70% ऑडियंस तो नॉन मुस्लिम है, हिंदू आके एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और चले हैं इस्लाम को झूठा साबित करने। लोल जी, आप सच में लोल हैं। देश में करीब 85% नॉन मुस्लिम है और करीब 15% मुस्लिम है। मेरे चैनल पर ऑडियंस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन आपके हिसाब से 30% मुस्लिम है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। आपने कहा कि हिंदू आके एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, आपने आईडी का सही नाम रखा है, आप सच में लोल हैं। फैजान अली सैयद का कमेंट, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं और जिसे गुमराह करे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। फैजान अली जी, आपके कमेंट के मुताबिक अल्लाह एक साइको करेक्टर है, अल्लाह खुद गुमराह करता है। शैतान तो बेचारा यूं ही बदनाम है। कुरान में कम से कम 21 आयतों में अल्लाह कहता है कि मैं काफिरों को गुमराह करता हूँ, और भी कई दर्जन आयतों में कहता है कि हमने उनके दिलों पर मोहर लगाई है, हम काफिरों को हिदायत नहीं देते, और फिर आगे पूरी कुरान में काफिरों पर लानत डालता है कि वो ईमान क्यों नहीं लाते। मोमिन कहते हैं कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, जबकि जालिमों को तो हिदायत देनी चाहिए थी, अच्छे बंदों को हिदायत देने की क्या ज़रूरत है। औलाद कितनी भी बिगड़ी हुई हो, माँ बाप उन्हें हमेशा सही राह दिखाते हैं, कभी गुमराह नहीं करते। अल्लाह की तरह अगर पुलिस भी सोचती तो मुजरिमों से कहती कि तुम लोग नहीं सुधरोगे, जाओ जो करना है करते रहो। खैर छोड़िए, अल्लाह की बातें नबी ही जाने। जैद खान ब्लॉक्स का कमेंट है कि दूसरे रिलीजन में शराब पीना मना नहीं है, सिर्फ इस्लाम में ही शराब पीना मना है। जैद खान जी, इस्लाम में शराब बहुत बाद में मना की गई, उससे पहले अल्लाह शराब और जुए को फ़ायदेमंद भी बता रहा था। कुरान सूरा 2 आयत 219, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह भी है और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं, और इन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदे से बड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि शराब और जुआ गुनाह तो हुआ, लेकिन अल्लाह की नज़र में इसमें फ़ायदे क्या हैं।
और शराब अगर इतनी ख़राब चीज़ है तो जन्नत में शराब की नहरें क्यों बहा दी? कुरान सूरह 52 आयत 23, वहाँ वो ऐसे शराब के जाम में छीना झपटी कर रहे होंगे जिनमें ना कोई बेहुदगी होगी और ना कोई गुनाह होगा। ये क्या है भाई, शराब की नहरें होने के बावजूद जन्नती शराब के जाम के लिए छीना झपटी कर रहे होंगे? इसे बेहुदगी या गुनाह नहीं माना जाएगा। उससे भी बड़ा सवाल, क्या दुनिया में सिर्फ शराब ही नशा है? दर्जनों किस्म के और भी नशे हैं जो शराब से कई गुना नुकसानदायक हैं, वो मना क्यों नहीं किए? हेरोइन के नशे से बुरा नशा तो कोई भी नहीं। दुनिया भर में 80-90% हेरोइन अफगानिस्तान से तैयार होती है, और वैसे भी शराब भी मना है, बड़े बड़े गुना मना नहीं है। फटने वालों को आला दर्जे की जन्नत फिरदौस का वादा है। राजू जेंटल का कमेंट, और हाँ जफर जाहिल, किसी भी मजहब की किताब तू पढ़ ले, उसमें लिखा है अल्लाह भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, सिर्फ एक, ओनली वन, समझे जाहिल। राजू जेंटल जी, किस मजहब की किताब में लिखा है कि अल्लाह और भगवान एक ही हैं? किसी किताब का नाम भी लिख देते। जिन यहूदी और ईसाई किताबों पर अल्लाह दावा करता है कि उसने भेजी हैं, उनमें भी अल्लाह का नाम नहीं है। क्या कुरान में यहोवा, गॉड या भगवान का नाम है? हिंदू रिलीजन की हजारों किताबें, किस किस किताब में लिखा है कि अल्लाह और भगवान एक ही हैं? अल्लाह और भगवान का तो किरदार ही अलग अलग है, कोई भगवान को माने या ना माने, भगवान को फ़र्क भी नहीं पड़ता। भगवान कहीं नहीं कहता कि मुझे नहीं मानोगे तो अजाब भेज दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, जहन्नुम में जला दूंगा। भगवान लोगों को डराता नहीं है, और वैसे भी भगवान को मूर्तियाँ बनाकर पूजा जाता है, जबकि अल्लाह मूर्ति पूजकों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान शाकाहारी है, अल्लाह मांसाहारी है, भगवान और अल्लाह एक कैसे हुए? अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह और भगवान एक कैसे हुए? भगवान, गॉड और यहोवा की कॉन्सेप्ट भी मेरे लिए गलती है, लेकिन अल्लाह से तो बेहतर ही है। तो कोई मौलाना मदनी जैसा ही भगवान और अल्लाह को एक कह सकता है? जेंटल मियाँ, आप बताइए कि जाहिल कौन हुआ? लानत है तुझ पर, सब लोग इस जैसे फितना से बचें। हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि इस गीदड़ के भौंकने से कमज़ोर हो जाए। इस कमेंट में रिप्लाई देने लायक कोई बात नहीं है, लेकिन गीदड़ लफ्ज़ पढ़कर एक कहानी याद आ गई। ये दिलचस्प कहानी मुझे गिब्राइल जी ने सुनाई थी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक गीदड़ बहुत बुरी हालत में रहता था। उसने कहीं से एक पेपर उठाया और बाकी अनपढ़ गीदड़ों से बोला कि मुझे शेर ने जंगल की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, अब मैं जंगल का राजा हूँ। गीदड़ों ने बिना वेरीफाई किए सच मान लिया। गीदड़ खुश थे कि कोई गीदड़ जंगल का राजा बन गया। कई बार बाकी गीदड़ कहते हैं कि जो दूसरे जानवर हैं वो आपको राजा नहीं मानते, आप उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाओ। तब गीदड़ कहता, अरे छोड़ो, वो सब अनपढ़ जाहिल हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा। गीदड़ उसकी बातों में ऐसे आए कि वो छोटे मोटे जानवरों से शिकार छीनने लगे। मजबूर होकर कई दूसरे जानवर भी गीदड़ को राजा मानने लगे, और इस तरह गीदड़ ने जंगल के बड़े से हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां का राजा बन गया। बस इतनी कहानी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रूबिया सुजान सिंथिया का कमेंट, साइंस झूठ है। रूबिया जी, जिस मोबाइल से आपने कमेंट लिखा है वो भी साइंस है। सबसे पहले इसे तोड़ दीजिए, फिर घर की बिजली काट दीजिए, फिर आपके घर में टीवी, फ्रिज वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उसे उठाकर बाहर फेंक दीजिए। घर में अगर स्कूटी, बाइक वगैरह है तो उसे किसी को दे दीजिए। झूठी चीज़ों को घर में क्यों रखना? फिर घर की एक एक चीज़ जिसे बनाने में साइंस का इस्तेमाल हुआ हो उसे बाहर फेंक दीजिए। आज के बाद बाइक, कार, बस, ट्रेन, इनमें बिल्कुल मत बैठिए। घर में कोई बीमार हो जाए तो दवा मत लीजिए। साइंस से जुड़ी हर चीज़ को टोटली बायकॉट कर दीजिए। ये कमेंट किसी मर्द ने किया होता तो उसे बता देता कि कपड़े कैसे बनते हैं, बहुत हैवी डोज देता। खैर छोड़िए, ऐसे कमेंट लिखने से पहले गूगल में साइंस लफ्ज़ का मतलब जान लीजिए। साइंस किसे कहते हैं ये जान लीजिए। मोहम्मद सैफ का कमेंट, अबे तुम जैसे जाहिल जिनको पेशाब करके धोने की तमीज़ नहीं है वो क्या हमें समझाएंगे कि क्या सही है? मोहम्मद सैफ जी, आपने कमेंट किया था कि जामा मस्जिद दिल्ली के इलाके में आकर मिलो, तो क्या आप मुझे पेशाब करके धोना सिखाना चाहते थे? ज़मीन पर लाखों किस्म के जानवर हैं और सब जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। दुनिया में दर्जनों किस्म के रिलीजन और हज़ारों किस्म की कम्यूनिटी रहती हैं। एक कौम को छोड़कर बाकी सब जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है
और गलत क्या है। जमीन पर सिर्फ एक ही कौम है जो मौलवियों से पूछती है कि बाथरूम और बेडरूम में क्या करना है, कैसे करना है, और करने से पहले और करने के बाद क्या करना है। एक ही कौम है जो बाथरूम जाने से पहले दुआ करती है, ए अल्लाह नर और मादा जिन्नों से तेरी पनाह चाहता हूँ। दुआ ना करने से बाथरूम के अंदर जिन्न उसके साथ गंदी हरकतें कर सकते हैं। फिर राइट पैर पहले अंदर रखना है, किबले की तरफ मुंह या पीठ नहीं होनी चाहिए, अगर गलती से हो गई तो तुरंत घूम जाइए, और भी कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बाहर निकलते वक्त लेफ्ट पैर से पहले बाहर निकलना है और दुआ करनी है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी तकलीफ दूर की और मुझे आराम दिया। बेडरूम में कुछ करने से पहले दुआ करनी चाहिए, नहीं तो शैतान भी प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल बाबा से पूछिए और अपना सर फोड़िए। और अगर जोक पढ़ने का शौक हो तो जो इस्लामिक वेबसाइटों पर मोमिनों के सवाल और जवाब होते हैं उन्हें पढ़ लीजिए। मोमिन तो ये भी पूछते हैं कि वहाँ के बाल कब और कैसे काटने चाहिए। मोहम्मद सैफ जी, ये सब आपको मुबारक हो। आपको छोड़कर बाकी सबको पता है कि सही और गलत क्या है। अब कुछ अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। इस्लाम की बुनियाद ब्लाइंड फेथ पर टिकी है। ज़्यादातर मुस्लिमों के दिमाग में डाउट और सवाल पैदा होते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में डाउट और सवाल डिस्कस करना गुनाह है, इसीलिए लोग इस्लाम को चुपचाप फॉलो करते हैं। ऐसे एक बंदे का कमेंट है, सिक्योरिटी रीजन से इनका आधा नाम छुपा दिया है। यार लॉजिकल बातें करते हो आप, जो जो मेरे माइंड में बहुत देर से चल रहा था आज वो सब आपकी वीडियो में सुनने को मिल रहा है। ये महज इत्तेफाक है या कुछ और मुझे नहीं पता। भाई आप कौन हो, बहुत देर से ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। ऐसे करोड़ों मुस्लिम हैं जिनके दिमाग में डाउट और सवाल हैं, लेकिन सवाल पूछना मना है। अब इन्फॉर्मेशन का दौर है तो उन्हें जवाब मिलने भी लगे हैं, इसीलिए एक्स मुस्लिमों की गिनती बढ़ रही है। जिसे नंबर जानना हो ये वीडियो ज़रूर देखें। सिराज जी ने कमेंट में कुछ सवाल पूछे हैं जो इन्हें एक्स मुस्लिम बनने से रोक रहे हैं। कुरान और बाइबल में जिन नबियों का जिक्र है, अगर वो सच्चे हो सकते हैं तो हज़रत मोहम्मद भी सच्चे हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मूसा की किताब फर्जी है तो कोई इतने किस्से कैसे बना सकता है? नबियों ने जो मौजज़े मतलब कि मिरेकल किए, क्या वो भी झूठे हैं? सिराज जी, ये हैं ओल्ड टेस्टामेंट की 39 किताबें जो कई राइटर्स ने कई सदियों में लिखी हैं। इनमें से कुछ किताबों में नबियों की कहानियाँ भी हैं। और ये हैं इंडियन नॉवल राइटर सुरेंद्र मोहन पाठक, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक 300 से भी ज़्यादा नॉवल्स लिखे हैं। इनके विमल सीरीज के 42 नॉवल्स में सिर्फ एक बंदे की कहानी है। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों राइटर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों किताबें लिखी हैं। एक ही राइटर 2-3 हज़ार एपिसोड के कई सीरियल लिख देता है। किससे कहानियाँ लिखना बड़ी बात नहीं होती। कुछ राइटर्स ने अगर नबियों की कहानियाँ लिख दी, उनके मौजज़े लिख दिए, इससे कहानियाँ नबी या मौजज़े सच्चे साबित नहीं होते। मौजज़े फेक न्यूज़ की तरह होते हैं या उनमें चलाकी होती है, उनमें सच्चाई नहीं होती। जिस तरह आजकल फेक न्यूज़ फैलती है या फैलाई जाती है, मौजज़े भी उसी तरह से फैलते और फैलाए जाते हैं। इतिहास में किसी इंसान का होना अलग बात है, लेकिन उसको नबी मानना अलग बात है। जब अल्लाह ही नहीं है तो उसके नबी होने का मतलब ही क्या है? नेज़ल हुसैन ने अपनी ख़ानदानी तमीज़ और तहजीब के साथ, मतलब कि गाली के साथ पूछा है कि तुमने मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं दिया। इस कमेंट में एक और बकलोली की है, लेकिन जवाब देने के लिए इनके पुराने कमेंट देखते हैं। उनके इस कमेंट में लिखा है, जीसस की लैंग्वेज क्या थी और बाइबल किस लैंग्वेज में उतरा? तुम देख लेना, ये नहीं बता पाएगा, ये डरपोक बुजदिल है, आज तक मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया और ना ही क्यूए में इंक्लूड किया, क्योंकि इसको भी पता है कि ये बुजदिल और कायर है और इससे सवाल पूछता है उसे इंक्लूड नहीं करता। नेज़ल मियां, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि गूगल में हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जिस भी बच्चे के पास मोबाइल है वो भी गूगल में सर्च करके अपने सवालों का जवाब ले सकता है। आपके बचकाने सवालों का जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी दे देता हूँ, नहीं तो आप फिर लिखेंगे कि बुजदिल ने जवाब नहीं दिया। जीसस की लैंग्वेज को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। एक बार इसराइल के प्रधानमंत्री और पॉप के बीच भी यही कंट्रोवर्सी हुई है। जीसस के वक्त 3 मैन लैंग्वेजेस थी,
यूनानी मतलब कि ग्रीक जो सरकारी भाषा थी, हिब्रू मतलब इब्रानी पढ़े लिखे रब्बियों की भाषा थी और अरेमिक आम लोगों की भाषा थी। जीसस ने इब्रानी किताबें पढ़ी हुई थी तो उनको इब्रानी आती थी। वो आम लोगों को उपदेश देते थे तो उन्हें अरेमिक भी आती थी। उनके कई फॉलोअर यूनानी भी थे तो उनको यूनानी भी थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन जो जीसस की मेन भाषा है वो अरेमिक मानी जाती है। पुरानी बाइबल हिब्रू यानी इब्रानी में लिखी गई, लेकिन वो आम लोगों की भाषा नहीं थी। बाद में यूनानियों का इफेक्ट इतना बढ़ा कि नई बाइबल ग्रीक भाषा में लिखी गई। उसके बाद कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होती गई। नेजल मियां, आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया, अब आपका एक कमेंट पढ़कर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब जरूर देना। नेजल मियां एक कमेंट में लिखते हैं, हिटलर को नोबेल प्राइज मिला शांति के लिए। नेल्सन मंडेला को सदी का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहा गया। दुनिया अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बोलती है। इसके बाद नेजल मियां ने मस्त जोक लिखा है, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ दिमाग वालों को समझ आता है, कम अकल इसमें बुराई ही बुराई देखता है। नेजल मियां, हिटलर को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था और नेल्सन मंडेला को सदी का सबसे बड़ा टेररिस्ट किसने बोला था? शायद ये सब आपने मदरसे में पढ़ा होगा या आपको किसी मौलवी ने बताया होगा। मदरसा ग्रेजुएट भाई, हिटलर को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल प्राइज मिला था, भारत रत्न भी मिला था। दुनिया के बहुत सारे देशों में 250 से ज़्यादा सम्मान और प्राइज मंडेला जी को दिए गए थे। भाई हाथ में मोबाइल है, गूगल सर्च कर लेते हैं। तुम जैसों को ही इस्लाम समझ आता है, क्योंकि तुम अक्लमंद नहीं अक्लबंद हो। फरहान नाजिम का कमेंट, चुप झूठे, तू झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। अपने दिल में झांक के देख, सही से सोच, फिर तुझे समझ में आएगा। फरहान नाजिम जी, जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया है उसमें मैंने रेफरेंस भी दिए हैं। मोमिन रेफरेंस चेक किए बिना ही मुझे झूठा कहते हैं, झूठा कह रहे हैं और कहते रहेंगे। जिस दिन मोमिन अपने मन में झांक कर देखेंगे, सही से सोचेंगे, उन्हें सच समझ आ जाएगा। मोमिनों के कमेंट पढ़कर गिब्राइल जी की चार लाइनें फिर से याद आ गईं। सोचते समझते कुछ नहीं, बोलते बहुत हैं, दीन में इंसान कम हैं, तोते बहुत हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं मोमिनों के मज़ेदार कमेंट्स के साथ सीरीज़ के अगले एपिसोड में। इंसानियत हाफिज़।